भाई असली संत है और समाधि भी सत्य में लगी है लेकिन बुद्धि में कलयुग बैठा है तो असली में भी नकली दिखाई दे रहा है। देखो जी, हम किसी का सम्मान नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, मत करो। कौन कह रहा है किसी का सम्मान करो? पर हम यदि किसी का सम्मान नहीं कर सकते हैं तो हमें किसी का अपमान करने का भी कोई अधिकार नहीं है। महाराज परीक्षित के मन में भाव आ गया, ढोंगी समाधि लगा के बैठा है, ढोंग करके अभी पता लग जाए, सो मरे हुए सर्प को लाया और सभी किसी के गले में डाल दिया। देखो जी, परीक्षा के लिए डाला था, परीक्षा तो हो गई, सत्य में समाधि में संत बैठे हैं लेकिन वो सर्प गले में ही है और राजा परीक्षित अपने महल में चले गए। सभी किसी के बैठे संगी किसी नन्हे नन्हे बालकों के साथ जो है खेल रहे। अब उन्हें पता लगा, किसी ने बताया, भैया तुम्हारे पिता के गले में तो महाराज परीक्षित ने मरे हुए सर्प को जो है डाल दी। बड़ा क्रोध आया, महाराज अब राजा है, राजा का धर्म समाज की, देश की, संस्कृति की, सज्जनों की रक्षा करना होता है, लेकिन रक्षक होकर भी आप भक्षक का कार्य किए हो, इसलिए जाओ श्राप देता हूँ, आज से सातवें दिन तक्षक डसेगा और इसी से तुम्हारी मृत्यु होगी। अब श्राप लेकर कुटिया में आए, सभी किसी की गोद में बैठकर रोने लगे। धीरे धीरे सभी किसी की समाधि खुली। अब रोते हुए बालक संगी के मुख से सारी घटना को जब सुना, बड़ा दुख मन में हुआ, डांटने लगे, बेटा तुमने अच्छा नहीं किया, जानते हो महाराज परीक्षित की बुद्धि में तो कलयुग बैठा था, इसलिए उनसे ऐसा अपराध हुआ, लेकिन उनके बाद तो जितने भी राजा महाराजा होंगे वो सब कलयुग का ही स्वरूप होंगे। जाओ जाकर के महाराज परीक्षित को बताओ, महाराज मैंने आपको श्राप दिया है, आज से सातवें दिन आपको तक्षक डसेगा और इसी से आपकी मृत्यु होगी। अब देखो महाराज परीक्षित महल में आए, मुकुट को उतार कर जो ही सिर से नीचे रखा, बुद्धि से कलयुग बाहर। बस कलयुग बाहर होते ही बड़ा मन में पश्चाताप, अरे मैं राजा, राजा का धर्म तो समाज की रक्षा करना, देश धर्म और संस्कृति की रक्षा करना होता है, लेकिन रक्षक होकर भी मैं भक्षक का जो है कार्य किया, हे भगवान मुझसे बड़ा अपराध बन गया, अब मैं उनसे जाकर के क्षमा मांगू, कोई यज्ञ अनुष्ठान करूं, कोई कौन सा सत्कर्म किया जाए कि अज्ञानतावश मुझसे जो अपराध बना वो अपराध जो है क्षमा हो जाए। महाराज परीक्षित विचार ही कर रहे हैं, इतने में बालक संगी पहुंच गए। महाराज मैंने आपको श्राप दिया है, सातवें दिन आपको तक्षक डसेगा, अपने कल्याण का उपाय कर लेना। देखो महाराज परीक्षित की जगह अन्य कोई व्यक्ति होता ना तो महाराज दुखी हो जाता, लेकिन महाराज परीक्षित गदगद हो गए। बालक संगी, आपने श्राप नहीं दिया बल्कि मेरे ऊपर कृपा की है, अज्ञानता व समस्या जो अपराध बना वो पाप जो है नष्ट हो जाएगा, शरीर को तो एक दिन छूटना ही। बालक संगी का बड़ा सम्मान किया, बड़े आदर पूर्वक राजमहल से विदा किया, पर महाराज परीक्षित ने जन्मेजय को भूमंडल का सम्राट बनाया। और देखो गंगा किनारे कलम ने कहा था, हमें भी एक दो बार ही जाने का सौभाग्य मिला, सुखताल बहुत अच्छी जगह है पर आज भी बिल्कुल गांव की तरह वातावरण, गंगा का किनारा, विशाल टीला, टीले पर बटवृक्ष। महाराज परीक्षित सुखताल क्षेत्र में बटवृक्ष के नीचे आकर बैठ गए, सोचने लगे मेरे पास सात दिन का समय है, हे भगवान ऐसा कौन सा उपाय करूं कि सात दिन में मुझे आप मिल जाए। देखो जी, जीव के मन में परमात्मा से मिलने की उत्कंठा जब जागती है